गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. वेल, आई एम प्रतिमा एंड इन दिस टाइम ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास फर्स्ट चैप्टर नेम एनिमल्स होम. ओके स्टूडेंट्स, ओपन इन दिस बुक हाईलाइट लिटरेचर एंड लैंग्वेज बुक्स. प्लीज ओपन योर बुक्स. लेसन नंबर 1, पेज नंबर 5. आपका फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट एनिमल्स होम्स. ओके, नेक्स्ट इन जंगल एंड फॉरेस्ट. जंगल और जंगलों में और अंडर द सी समुद्र के नीचे. देयर आर सो मैनी प्लेसेस. बहुत सारे स्थान हैं जहाँ जीव हो सकते हैं. वेयर क्रिएचर्स कैन बी, जहाँ जीव हो सकते हैं. ओके, इन जंगल एंड फॉरेस्ट. जंगल और जंगलों में और अंडर द सी समुद्र के नीचे. बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पे जीव हो सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है अलोन ऑन अ डिजर्ट. अकेले एक रेगिस्तान पर. अकेले एक रेगिस्तान पर या खेतों पर. और ग्रॉप्ड ऑन अ फार्म. अकेले रेगिस्तान पर और खेतों पर. समूहीकृत या और टग्ड इन अ ट्री ट्रंक. और एक पेड़ के तने में टकराकर. सभी अवे फ्रॉम ऑल हार्म. सभी नुकसान से दूर. ठीक है, समझ में आया. एक अकेले एक रेगिस्तान पर, खेतों पर, सामूहिककृत या एक पेड़ के तने में टकराकर. सभी नुकसान से दूर. और ब्राइट सनी ग्लासलैंड टकराकर. सभी नुकसान से दूर. एक चमकदार धूप. ब्राइट सनी ग्लासलैंड मतलब एक चमकदार धूप वाले. और होल्ड अंडरग्राउंड, धूप वाले घास के मैदान. या देयर आर सो मैनी प्लेसेस वेयर क्रिएचर्स कैन बी फाउंड. एक चमकदार धूप वाले घास के मैदान या भूमिगत ज़मीन पर बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर वेयर क्रिएचर्स कैन बी फाउंड. जहाँ पर जीव जो हैं पाए जाते हैं. ओके, समझ में आ गया आपको चैप्टर आपका एनिमल्स होम. ये मैंने आपको रीड करवा दिया है. अब आपका घर होमवर्क है कि आप घर में इसको रीड करेंगे, स्पेलिंग मिला के पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे. और इसकी वर्ड मीनिंग्स ये दी हुई हैं. क्रिएचर्स, एनिमल्स, अंडरग्राउंड, बीनीथ द सरफेस ऑफ द ग्राउंड. नेक्स्ट है ग्लास लैंड. ओपन लैंड कवर्ड विद ग्रास. आप इसको जो है लर्न और राइट करके रखेंगे. चैप्टर रीड करेंगे और वर्ड मीनिंग को राइट करेंगे. राइट करके इसकी स्पेलिंग्स मिला के इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे. ओके, थैंक यू.